हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज वार्निंग साइन ऑफ कैंसर. ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक फ्रॉम यूनिट 1 ऑन्कोलॉजी MSN 2. ओके, सो ये ऑन्कोलॉजी चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, विच इज़ वार्निंग साइन ऑफ कैंसर. ओके, सो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर का मतलब क्या होता है? कुछ सिम्टम्स ऐसे कुछ वार्निंग्स जो हमें दिखने लगते हैं बॉडी पे, फील होने लगते हैं बॉडी पे, जिससे पता चलता है कि पेशेंट को कैंसर है. ओके, सो ये मतलब है वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वार्निंग साइन ऑफ कैंसर में क्या है? टू रिमेंबर द 7 अर्ली साइन ऑफ कैंसर. ओके, यानी कि वार्निंग साइन ऑफ कैंसर में टोटल 7 ऐसे अर्ली साइंस है जिससे कि हमें पता चलता है कि पेशेंट को कैंसर है. ओके, एंड वो 7 अर्ली साइंस क्या क्या है वही हम पढ़ेंगे वार्निंग साइन ऑफ कैंसर में. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम वार्निंग साइन ऑफ कैंसर तो कहते ही है, बट साथ साथ इसको हम वन वर्ड में कॉशन भी बोलते हैं. ओके, वन वर्ड मतलब कि यहाँ पे जैसे लिखा है टू रिमेंबर द 7 अर्ली साइंस ऑफ कैंसर, रिमेंबर कॉशन. ओके, सो कॉशन क्या है? CAUTION कॉशन है, जो कि 7 साइन के लिए स्टैंड करता है. ओके, ये एक एक्रोनियम है. एक्रोनियम का मतलब होता है कि ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि किसी के लिए स्टैंड करते हों. ओके, सो जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि वार्निंग साइन ऑफ कैंसर क्या है, तो आपको यही 7 अर्ली साइंस लिखने हैं. ओके, एंड अगर वार्निंग साइन ऑफ कैंसर ना लिखा हो और उसकी जगह पर कॉशन लिखा हो, CAUTION कि राइट अबाउट कॉशन, तो आपको कॉशन में भी क्या करना है? यही 7 अर्ली साइंस ही लिखना है. ओके, सो कॉशन और अर्ली साइन ऑफ कैंसर बोथ आर सेम. ओके, सो वो 7 अर्ली साइंस क्या क्या है, लेट्स रीड दैट वन बाय वन. ओके, सो कॉशन क्या है? कॉशन वर्ड है कुछ 7 साइंस के लिए. ओके, और वो 7 साइन क्या क्या है? फर्स्ट इज सी इन दिस पिक्चर इट इज़ क्लियरली सीन दैट 7 साइंस. ओके, तो फर्स्ट कॉशन में क्या लिखा है? देखो, ये इस साइड में कॉशन है और इस साइड क्या है, ये पूरा यहाँ पे कॉशन लिखा है, एंड ये पूरा वन बाय वन उसका साइन एंड सिम्टम्स है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट कॉशन क्या है? कॉशन जो वर्ड है वो स्टैंड करता है चेंज इन बॉल और ब्लेडर हैबिट. ओके, इसका क्या मतलब है कि जब भी अगर पेशेंट में दिखेगा कि उसका जो बॉल है, बॉल मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, तो ये सब क्या है? ये सब कुछ है, बोवल बोलते हैं इसको. ठीक है, तो चेंज इन बॉल एंड ब्लेडर हैबिट. ओके, तो फर्स्ट साइन ये है, और इसमें क्या दिखेगा? द कॉमन साइन ऑफ रेक्टल कैंसर. ओके, सो जो हमने कोलोरेक्टल पढ़ा था कैंसर स्क्रीनिंग में, ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें क्या था? कोलोरेक्टल कैंसर आया था वर्ड. ओके, सो यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर में जब भी पेशेंट को अगर ये कैंसर होगा, तो उसमें क्या दिखेगा हमें? चेंज इन बोवल एंड ब्लेडर हैबिट, जैसे कि स्टूल टाइम पे पास ना होना, ब्लेडर का एम्प्टी ना होना, यूरिन ना लगना, या फिर यूरिन रिटेंशन होना. ओके, तो ये सारा क्या है? ये सारा फर्स्ट साइन है कोलोरेक्टल कैंसर का. ओके, तो सी स्टैंड्स फॉर चेंज इन बोवल और ब्लेडर हैबिट्स. ओके, नाउ सेकेंड क्या है? ए, विच इज़ कॉशन में सेकेंड क्या आता है? ए आता है. तो यहाँ पे ए क्या है? अ सोर दैट डज नॉट हील. ओके, तो सोर का क्या मतलब होता है? सोर होता है एक ऐसा कोई लीजन, एक ऐसा कोई मास जो कि हील ही नहीं होता है. ठीक है, एक कोई ऐसा घाव होता है जो कि हील नहीं होता है. ओके, एंड स्पेशली ये कहाँ होता है? माउथ में होता है. ओके, माउथ स्किन एक कैंसर होता है, स्पेशली वहाँ पे होता है. ओके, सो ए स्टैंड फॉर अ सोर दैट डज नॉट हील. ओके, अ सोर दैट डज नॉट हील. ओके, सो ये इसका फुल फॉर्म है. अभी नीचे, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? इफ़ लोकेटेड ऑन अ स्किन और इन द माउथ, स्किन कैंसर और ओरल कैंसर कुड बी कॉज. ओके, सो जब भी अगर सोर होता है मुंह में, तो भी वो क्या हो सकता है? कारण हो सकता है जो कैंसर है, वो स्किन का हो, माउथ का हो, या स्किन का हो. ओके, सो ये दो चीज़ों में से कोई भी हो सकता है. ओके, नाउ सी ए हो गया, नेक्स्ट इज यू. ओके, सो यू स्टैंड फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज. ओके, सो अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज ये मोस्टली किसके लिए होगा? फीमेल्स के लिए होगा.
ओके फीमेल्स या फिर कोलोरेक्टल कैंसर में भी ये देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर सर्वाइकल कैंसर है तो पर्टिकुलरली कभी भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाना, या फिर कोई डिस्चार्ज आना, ओके या फिर कोई फाउल स्मेल आना, खराब स्मेल आना, तो ये सब क्या है, अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। ओके नीचे क्या इसमें लिखा है कि एनी ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लेडर वजाइना रेक्टम कुड मीन प्रोस्टेट सर्वाइकल और कोलोरेक्टल कैंसर। ओके सो ये जो अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज है ये क्या हो सकता है, कोई भी कैंसर हो सकता है, जैसे कि ब्लेडर का कैंसर, वजाइना, सर्वाइकल कैंसर, रेक्टम कैंसर हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर मेल में जो होता है वो, और कोलोरेक्टल कैंसर। ओके तो ये चारों कैंसर में से कोई भी हो सकता है, इसीलिए यू स्टैंड्स फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग। ओके सी ए यू हो गया, नाउ नेक्स्ट इज टी। ओके सो टी यहाँ पे थोड़ा सा छिप गया है तो मैं यहाँ पे खुद ही ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये टी है। ओके सी ए यू टी आया, और टी स्टैंड्स फॉर थिकनिंग ऑफ लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। ओके लंप का क्या मतलब होता है, जो हम जिसको हम गांठ बोलते हैं ना उसको बोलते हैं लंप। ओके सो अ थिकनिंग ऑफ लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर, जैसे कि लंप अगर ब्रेस्ट में है, या फिर रेक्टम में है, या फिर वजाइना में है, या फिर टेस्टिकल्स में। ओके सो उसमें क्या होगा, जो लंप है वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, उसमें कोई भी पेन नहीं होगा, और ये लीजन कहीं और ये लंप कहीं पे भी हो सकता है। ओके सो टी स्टैंड्स फॉर थिकनिंग और लंप इन अ ब्रेस्ट और एल्सवेयर। ओके सो नीचे क्या लिखा हुआ है, अ लंप ऑन द ब्रेस्ट इज अ साइन ऑफ कैंसर। ओके सो लंप ऑफ द टेस्टिकल कैन मीन अ टेस्टिकुलर कैंसर। ओके और अगर ब्रेस्ट में मिलता है लंप तो उस क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बट ये अगर टेस्टिस में मिलता है, ओके मेल्स के टेस्टिस में मिलता है, तो ये क्या हो सकता है, टेस्टिक्यूलर कैंसर भी हो सकता है। ओके सो टी स्टैंड्स फॉर थिकनिंग ऑफ लंप इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर। ओके सो सी ए यू टी हो गया, नेक्स्ट इज आई। सो आई स्टैंड्स फॉर इनडाइजेशन और डिस्फेजिया। ओके इनडाइजेशन का मतलब हमें पता है क्या होता है, खाने का डाइजेस्ट ना होना, उसको हम इनडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्फेजिया होता है भूख ना लगना, ओके तो उसको बोलते हैं हम डिस्फेजिया। तो आई स्टैंड्स फॉर इनडाइजेशन और डिस्फेजिया। ओके सो इसके सिम्टम्स कब कब होता है, जबकि स्टमक का कैंसर हो, थ्रोट का कैंसर हो, ईसोफेगस का कैंसर हो, और माउथ कैंसर हो। ओके जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है, सिम्टम्स ऑफ स्टमक, थ्रोट, ईसोफेगस एंड माउथ कैंसर। ओके सो ये सारे जो कैंसर है वो सब क्या है, ये सिम्टम्स है। ओके ये सिम्टम है इन सारे कैंसर्स का, जिसमें कि आई स्टैंड करता है किसमें, इनडाइजेशन और डिसफेजिया। ओके सो ये सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है, हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। ओके नेक्स्ट इज ओ, क्वेश्चन में नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल। ओके नाउ वाट और मोल क्या होता है, मोल एक स्किन के ऊपर क्या होगा, छोटा सा एक लीजन जैसा होगा। वाट क्या होता है, वाट भी ऐसी लीजन ही होता है। ओके लेकिन ऐसा कुछ होता है जो कि पेनलेस होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर स्किन है और स्किन के ऊपर क्या है, मोटा जैसा ऐसा गांठ होता है जो कि हम फील कर सकते हैं। ओके जिसको फील करें तो हमें दिखता है ये, या फिर छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ऑब्वियस चेंज इन वाट एंड मोल। और ये जो वाट है और ये जो मोल है ना, ये क्या होगा, ये दिन ब दिन ये क्या होता जाता है, इसका जो टेक्स्चर है वो कड़ा होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, और इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा। ओके सो इसीलिए दैट ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल। ओके ये मोस्टली किस में होता है, स्किन कैंसर में होता है। ओके क्योंकि स्किन पे ये वाट और मोल है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके एंड इसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे इसको हम चेक कर सकते हैं। ओके सो ओ हो गया, और लास्ट क्या है, एन है। एन स्टैंड्स फॉर नैगिंग कफ और हॉर्सनेस। ओके नैगिंग कफ और हॉर्सनेस का क्या मतलब है, नैगिंग कफ होता है जो कफ हो, खांसी हो, प्लस साथ साथ ही क्या हो, उसमें एक विसल जैसा आवाज़ आए। विसल मतलब जैसे कि हॉर्सनेस का आवाज़ होता है। ओके जैसे कि गले का खराश बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कफ बार बार एक्सट्रीमली कफ होना। ओके सो ये सब क्या है, नैगिंग कफ और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब वॉइस का बिगड़ जाना, जैसे कि घोड़े की आवाज़ होती है ना, बिल्कुल वैसे ही जो आवाज़ है वो बिगड़ करके
वैसे ही कुछ साउंड करने लगता है, इसीलिए यहाँ लिखा है एन स्टैंड्स फॉर नेगिंग कफ और होर्सनेस। ओके, नीचे क्या लिखा है, अ कफ दैट लास्ट फॉर 4 वीक्स और नो लॉन्गर कैन बी सिम्टम्स ऑफ लंग एंड थ्रोट कैंसर। ओके, सो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कफ है अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए हो, ठीक है, यानी कि 4 वीक से ज़्यादा हो, तो सिम्टम होता है लंग कैंसर का या फिर थ्रोट कैंसर का। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे एन स्टैंड करता है नेगिंग कफ और होर्सनेस के लिए। ओके, सो दीज आर द वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर दैट वी हैव स्टडीड नाउ। ओके, सो ये क्या था, वार्निंग साइंस था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। ओके, एंड ये सब कुछ आपको आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी राइटिंग में भी क्वेश्चन का मैंने फुल फॉर्म लिखा है, CAUTION। ओके, यहाँ पे से भी आप देख सकते हो, ये तो पिक्चर के साथ है ये, प्लस यहाँ पे भी है। ओके, सो ये तीनों पिक्चर है, जो भी आपको सिंपल लगता है वो आप लिख सकते हो। ओके, सो ये क्या था, पूरा कॉशन था, CAUTION, कॉशन, यानी कि वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। ओके, सो यहाँ पे हमारा वार्निंग साइन ऑफ कैंसर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्टडी करना, ठीक है, स्टडी करना है किसका, पॉपुलेशन का स्टडी करना। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर गुजरात की जामनगर की पॉपुलेशन कितनी है, दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ किस चीज़ की, गुजरात जामनगर की पॉपुलेशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एपिडेमियोलॉजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एपिडेमियोलॉजी का कैंसर में क्या काम है, तो कितने प्रतिशत लोग इंडिया में कैंसर से पीड़ित है, ये पता करने के लिए क्या पढ़ेंगे हम, एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर। ओके, सो फर्स्ट हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी का, एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है। ओके, सो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये जो एपिडेमियोलॉजी है वो क्या बोलना चाह रहा है कि इट इज़ ये क्या है, एक स्टडी है किस चीज़ की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड क्या क्या इश्यूज चल रहा है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, एंड प्लस क्या है, इवेंट्स किसका, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ही, प्लस स्पेसिफाई करता है कि पॉपुलेशन, जैसे कि अगर कैंसर से कितने लोग पीड़ित है, तो इसका पूरा देश में क्या बनेगा, पूरे इंडिया में डेटा बनेगा और उसमें पता चलेगा कितने प्रतिशत लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है, टेस्टिस कैंसर है या फिर सर्वाइकल कैंसर है। ओके, सो ये क्या है, ये मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की जो कि कैंसर से पीड़ित है। ओके, इसी को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। ओके, एंड क्या है, एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, सो इस स्टडी का मतलब क्या है, इस स्टडी का मोटो क्या है कि टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब हमें पता चलेगा कि देश में क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी और कुछ स्कीम्स बनाएगी, कुछ प्रोग्राम्स बनाएगी जो कि किसके लिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, मिटाने के लिए ज़रूरी होगा। ओके, सो यही होता है एपिडेमियोलॉजी। बेसिकली एपिडेमियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स, स्पेसिफिकली किसके लिए, पॉपुलेशन की स्टडी के लिए। ओके, एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये डेफिनेशन है एपिडेमियोलॉजी का। ओके, होप आई हैव क्लियर्ड दिस। एंड नेक्स्ट इज कैंसर इंसिडेंस, मतलब कि हमने पढ़ लिया कि अभी हमारे गुजरात में, हमारे जामनगर में कितने प्रतिशत लोग हैं उसको कैंसर है। ओके, सो अभी हम क्या बात करेंगे, कैंसर इंसिडेंस की। कैंसर इंसिडेंस का क्या मतलब होता है कि कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं। इंसिडेंस का क्या मतलब होता है, घटना, ठीक है, घटना है उसको हम इंसिडेंस बोलते हैं। सो कैंसर का कितना इंसिडेंस है इंडिया में। ओके, सो नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर, सो कैंसर इंसिडेंस का मतलब क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ केसेस है कैंसर के। ओके, तो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ कैंसर इंसिडेंस का। ओके, नाउ कैंसर मोर्टालिटी क्या होता है, कैंसर मोर्टालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर, यानी कि कैंसर की वजह से कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, ये क्या है, ये इसका रिकॉर्ड रखना, इसका पूरा एक रजिस्टर तैयार होता है
बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो कैंसर के कितनी मोर्टैलिटी है, कितनी डेथ्स हुए हैं देश में या फिर विदेश में, इसको क्या बोलेंगे हम, कैंसर मोर्टैलिटी. ओके, सो ये दो टॉपिक है. नाउ नेक्स्ट इज, इन इंडिया ओवर 17.3 लाख न्यू केसेस ऑफ कैंसर एंड 8.8 लाख डेथ ड्यू टू डिजीज टिल 2020 हैपन. ओके, तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिया में अब तक यानी कि 2020 तक टोटल 17.3 लाख न्यू केसेस कैंसर के रिकवर हुए हैं. ओके, इतने केसेस पाए गए हैं जिसमें से 8.8 लाख की क्या हो गई है, डेथ हो चुकी है इस डिजीज़ की वजह से, कैंसर की वजह से, टिल कब तक, 2020. ओके, सो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर एक एपिडेमियोलॉजिकल चार्ट है जो कि कैंसर के लिए स्पेशली बनाया गया है इन 2020. ओके, जिससे कि क्या पता चला कि इंडिया में टोटल इतने केसेस हैं और इतनी डेथ हो चुकी है. ओके, यानी कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ कैंसर कितना है, 17.3 और मोर्टालिटी रेट ऑफ कैंसर यानी कि कैंसर मोर्टालिटी कितनी है, 8.8 लाख टिल 2020. ओके, सो इसका मतलब ये है. नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आर ऑफ ब्रेस्ट, ओरल, लंग कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर. ओके, सो सभी कैंसर्स में से, सभी टाइप ऑफ कैंसर में से मोस्टली जो केसेस होता है वो ब्रेस्ट कैंसर का होता है, ओरल कैंसर का, लंग कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर. ओके, सो बोला जाता है कि इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जहाँ की ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा होता है. ओके, सो ये क्या है, कुछ इंसिडेंट था, कुछ डेटा था रिलेटेड टू कैंसर. ओके, नेक्स्ट इज मेल्स और फीमेल्स में. ओके, अभी हम पर्टिकुलरली मेल्स एंड फीमेल्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि कैंसर का कौन से टाइप के कैंसर होते हैं. ओके, तो मेल में क्या होता है, मेल में स्पेशली ओरल केविटी का कैंसर और लंग कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, मेल्स में क्यों ओरल केविटी का कैंसर देखने को मिलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको. ठीक है, और अल्कोहल की वजह से क्या स्पेशली क्या होता है, लंग कैंसर होता है. तो ये दो कारण है सबसे ज़्यादा इंडिया में ओरल कैंसर या फिर लंग कैंसर होने का मेल में. ओके, फीमेल में क्या है, फीमेल में ये जो रेट है वो है किसमें है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर. यानी कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा केसेस मिलता है वो फीमेल्स में, वो होती है ब्रेस्ट कैंसर की और सर्विक्स कैंसर की. ओके, एंड इन ये दोनों ही कारण है कि इंडिया में इतने ज़्यादा डेथ होता है कैंसर की वजह से. ओके, सो ये क्या था, दो रेट था, दो रेशियो था मेल और फीमेल का. ओके, सो ये क्या था, ये पूरा एपिडेमियोलॉजी था जो कि कैंसर के इंसिडेंट और मोर्टैलिटी रेट के बारे में हम बात कर रहे थे. ओके, होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू.